पाटलिपुत्र में कोई कंटेस्ट ही नहीं है, जनता वहां लड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से जो विकास के काम घर घर तक, गांव गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति पहुंचा है, और मेरा प्रयास, मेरी उपलब्धता, मेरी सेवा, ये सब कुछ मिला करके जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है। अब कोई चुनौती नहीं है, भारी मतों से पुनः इस बार हमको अपना आशीर्वाद देगी। कोई नई बात थोड़ी है, कौन कैंप करेंगे नहीं करेंगे, पहले भी कैंप कर चुके हैं आप लोग, आप लोग तो गवाह हो। इसके पहले कौन नहीं कैंप किया था, उसके पहले 14 और 19 कौन कौन कैंप नहीं किया था, वो तो आपका कैमरा गवाह है, आपका रिकॉर्ड गवाह है, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील किया है वो सही अपील किया है, 2005 के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने सीधे सीधे कह दिया है कि यहाँ मुकाबला में कोई टिकने वाला नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। सीधे तौर पे कह दिए हैं कि पिछली बार भी चाहे 2014 हो, 2019 हो, ये सभी लोग यानी खास करके लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पे निशाना साधते हुए कह दिए हैं कि ये सभी लोग प्रचार प्रसार किए थे लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ था, और इस बार भी कोई असर नहीं होने वाला है, हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं चुनाव, ये चुनाव हम नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। साथ साथ नीतीश कुमार के पत्र को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया और कहा है कि ये पत्र जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सही लिखा है। आप लोग जानते हैं किस प्रकार से जो है 2005 से पहले बिहार की स्थिति थी, पहले सुनिए कि रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। थी दुर्भाग्यपूर्ण है, ना इसको कंडेम किया जाए वो कम होगा। राजनीति में गिरावट आई है, संस्कार लोगों ने खोया है, मैं से ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सर, सीएम ने पत्र लिखा है और लोगों से अपील किया है कि एनडीए के पक्ष में वोट करें। 2005 के पहले की स्थिति को बताया गया है, बताया 2005 के पहले की स्थिति को बताया गया है, किस तरीके से सही बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील किया है वो सही अपील किया है, 2005 के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, अमन चैन शांति हुआ है, रोजी रोजगार सब मिला है, बिहार का सम्मान बढ़ा है, बिहारियों को आगे जाने का मौका मिला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील किया है वो बहुत ही सही है। पाटलिपुत्र में कोई कंटेस्ट ही नहीं है, जनता वहां लड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से जो विकास के काम घर घर तक, गांव गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति पहुंचा है, और मेरा प्रयास, मेरी उपलब्धता, मेरी सेवा, ये सब कुछ मिला करके जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है। अब कोई चुनौती नहीं है, भारी मतों से पुनः इस बार हमको अपना आशीर्वाद देगी, माननीय मोदी जी की सरकार को मजबूत करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए। लालू जी राबड़ी जी भी काम करेंगे पाटलिपुत्र में, कोई नई बात, अरे कोई नई बात थोड़ी है यार, सामने सर सामने कोई नई बात थोड़ी है, कौन कैंप करेंगे नहीं करेंगे, पहले भी कैंप कर चुके हैं आप लोग तो गवाह हो। इसके पहले कौन नहीं कैंप किया था, उसके पहले 14 और 19 कौन कौन कैंप नहीं किया था, वो तो आपका कैमरा गवाह है, आपका रिकॉर्ड गवाह है, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रामकृपाल यादव घर घर का बेटा है, सेवक है, 24 घंटा सातों दिन जनता के दुख दर्द को दूर करने का, उसके घाव पर मरहम लगाने का, विकास के हर काम करने का काम किया है। तो सेवा जो करेगा उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी, जो सेवा करता ही नहीं है, चुनाव के वक्त में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, कभी दर्शन नहीं देते, वैसे लोगों जनता चुनेगी, जनता बहुत कॉन्शियस है। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर रामकृपाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपील की है एनडीए के समर्थन में वोट मांगने की, ये बिल्कुल सराहनीय कदम है, हम इसका समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ चुनौती को लेकर के उन्होंने कह दिया है कि कोई भी चुनौती पाटलिपुत्र में नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से कौन विजय होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बताओ खबर देते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।